सो हेयर आर दी ग्लव्स। ओ फर्स्ट लुक जो है काफी प्रीमियम क्वालिटी के ये ग्लव्स हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई है, ऊपर वाली साइड पे आपको प्रोटेक्शन दी गई है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है अगर हम इनको पहन के देखें। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good. Welcome to another video. तो thumbnail से तो idea हो चुका है कि आज की video किस related है। आज की video में हम जा रहे हैं एक riding gloves हैं जो उसकी unboxing करें और एक उसका छोटा सा review करें। Basically ये जो gloves हैं ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हारिस अवान जो कि Horsepower पाकिस्तान के owner हैं, like वो basically motor vlogging पाकिस्तान में जो है उनके pioneer consider किए जाते हैं। उन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च की थी तो उसकी हमने एक पेयर जो है अपने पास मंगवाया है, तो उसका हम छोटा सा रिव्यू करेंगे। रिव्यू के साथ साथ इसका हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे जो एक बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले हैं प्रो बाइकर के ग्लव्स, ऑल सीजन ग्लव्स उसके साथ। सो देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो जी ये ग्लव्स हैं, पार्सल हमारे पास आ चुका है, इसको हम अनपैक करते हैं। सो हियर इज़ द ग्लव्स जो कि सो हियर आर द ग्लव्स यू कैन सी। ओ फर्स्ट लुक जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के ये ग्लव्स हैं, आपको बड़ी अच्छी फील दे रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई है, ऊपर वाली साइड पे आपको प्रोटेक्शन दी गई है जो कि काफ़ी अच्छा प्लास्टिक जो है वो दिया गया है। आप प्रेस करके देख सकते हैं कि ये कहीं भी नहीं जाने वाला। सो ऊपर आपको मैश दी गई है जो कि आपकी ब्रीथिंग के लिए काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये विंटर ग्लव्स नहीं है इसलिए ऊपर इसके मैश दी गई है, जिसकी वजह से आपके जो हैंड्स को ब्रीथिंग काफ़ी अच्छी प्रॉपर देगी। और इनसाइड की बात करें तो इनसाइड पे आपको जो मटेरियल दिया गया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ दिस मटेरियल, तो ये मटेरियल वही है जो मैंने विमा के ग्लव जो विंटर ग्लव्स है उसका आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। उसके अंदर वाली साइड पे जो मटेरियल यूज़ किया गया था ये वही मटेरियल जो है इन ग्लव्स में भी यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन ये आई थिंक ये प्लास्टिक की प्रोटेक्शन नहीं है, ये फोमिंग वगैरह की प्रोटेक्शन है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट जो हम बात करें इसकी मैजिक की, मैजिक जो है बहुत कंसर्निंग पॉइंट है ग्लव्स के रिलेटेड। तो मेरे जो प्रो बाइकर के ग्लव्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इसका जो मैजिक है, प्रो बाइकर के ग्लव्स है इसका मैजिक जो है ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है इसका। ये मुझे तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है इन बाइक ग्लव्स को यूज़ करते हुए, लेकिन इसका जो मैजिक है वो बहुत फारिग हो चुका है। ये फट भी चुके हैं, क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हैं ये फट चुके हैं। इसका जो है मैजिक काफ़ी अच्छा है और इस पर जो मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इलास्टिक की। इलास्टिक जो है ये कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो इलास्टिक है जिसे इसमें टाई अप करना है आपके रिस्ट के साथ, तो ये जो है ये भी मेन कंसर्निंग पॉइंट होता है। ये जो इसका इलास्टिक है ये मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, वीक दिखने में लग रहा है। परफॉर्मेंस वाइज किस तरह का परफॉर्म करता है ये एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, ये हम अब इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये किस तरह के क्वालिटी का इलास्टिक है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है अगर हम इनको पहन के देखें। तो इनसाइड पे आपको इसकी जो है आपको पैडिंग सी मिल रही है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, और आपके जो हाथ को काफ़ी अच्छी जो है वो फील दे रही है, और ग्रिप भी बहुत ज़बरदस्त होगी इसके साथ। लुक्स में भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं, जो प्रो बाइकर के ग्लव्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर क्वालिटी के ग्लव्स हैं। ये जो मैंने करंटली पहना हुआ है ये इसका लार्ज साइज़ है जो कि मेरे प्रॉपरली फिट है, मेरे जो हाथों का साइज़ है वो एवरेज है, सो उसमें ये प्रॉपरली फिट है। ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बेहतरीन ग्लव्स हैं। इसकी जो करंटली प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। सो कॉमनली जो आपको प्रो बाइकर के ग्लव्स मिलते हैं वो अराउंड आपको 800-900 मिलते हैं, और उनकी क्वालिटी जो है वो आपको मैंने दिखा चुका हूँ। इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली दैट ग्लव्स बहुत अच्छी है, सो डेफिनेटली चेक दिस आउट। और जो एक बंदा एक एफर्ट इतनी कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, तो डू चेक आउट। उनके चैनल का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसके अलावा आई बटन पर भी दे दूंगा, तो डू चेक आउट।
बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम वीडियो रिव्यू। इसका जो हम डिटेल रिव्यू है वन मंथ के बाद कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं उसका भी हम बनाएंगे। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।